सो हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। अभी हम लोग आए हुए हैं पटना जू के पास, तो अभी हम जू के बाहर ही खड़े हैं। तो अभी चलते हैं जू के अंदर, आप लोग को जू का अंदर का पूरा व्यू दिखाएंगे, सिनेमैटिक्स और जितना चीज़ जितना हो सकता है मैं आप लोग के लिए निकालूंगा, आप लोग को दिखाऊंगा। तो बस गाइस आप लोग मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहें, ब्लॉग को देखते रहें, और गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लग रहा है। बाकी गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो। तो सो फाइनली गाइस हमने अपना टिकट ले लिया है और अभी हम जू के अंदर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग जैसे जू के अंदर एंटर कीजिएगा आप लोग को इस तरह से व्यू देखने को मिलेगा। और गाइस आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोग को एक मैप भी देखने को मिलेगा, पूरा जू का मैप देखने को मिलेगा कि आप लोग को कहाँ पे कौन से जानवर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम हो रही है जानवर को देखने में कि कहाँ पे कौन से जानवर है, तो आप लोग यहाँ से उस चीज़ को देख सकते हो। आप लोग को मैं मैप दिखाता हूँ। बाकी अभी चलते हैं हम लोग आगे और आगे चल के पूरा आप लोग को व्यू दिखाएंगे। आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को चलते चलते अगर थक गए हो, आप लोगों को खाना खाने का मन है, कुछ भी ब्रेकफास्ट वगैरह करने का मन है, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। मैं इसका एड्रेस आप लोगों को बता दूँगा, आप लोग का इसका एड्रेस जस्ट हिप्पोपोटामस के बगल में और ये जो हिरण वगैरह है इनके बगल में, आप लोग को ठीक इनके पीछे आप लोगों को यहाँ पे खाने वगैरह का स्टॉल मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे आके खा पी सकते हो। बाकी अभी चलते आगे, आप लोग को पूरा आगे का व्यू दिखाएंगे। सुबह से आप लोग ब्लॉग में बने रहें, ब्लॉग को इन्जॉय करते रहें। तो गाइज आप लोग जैसे ही आप लोग आते रहिएगा तो आप लोग को तो स्टार्टिंग में ही दिखेगा यहाँ पे रेलवे ट्रैक बनाया गया है। और वो क्यों बनाया गया आप लोग को बता दूँ, जब मैं छोटा था तो पहले यहाँ पे रेल वगैरह चला करती थी, इसी से आप लोग को पूरा ये जू दिखाया जाता था। मगर अब ये रेल चलना बंद हो गई है, अब बस यहाँ पर आप लोग को वो एक गाड़ी वगैरह चलती है, आप लोग को मैं दिखा दूँगा आगे ब्लॉक्स में। ये देखिए ये वो ट्रेन हुआ करता था जो भी बंद हो गया है, वो भी चलना बंद हो गया है, अब ये नहीं चलता ट्रेन। और यहाँ पर पानी पीने के लिए बनाया गया, तो अभी हम पानी थोड़ा पियेंगे, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं तो ये पानी पीते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे हम लोग। सो फाइनली गाइस अभी वहाँ से आगे आते आते यहाँ पे आप लोग को दिखेगा ये घड़ियाल का घर है। अब मैं आप लोग को यहाँ पे घर क्या बोले वो यहाँ पे रहता है, तो अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ उसका वो कैसा लगता है देखने में। तो आप लोग को दिख रहा होगा वहाँ पे बहुत ही बड़ा बैठ, और वहाँ पे दिखिए गाइस वो देखिए वो आप लोग देख सकते हैं, और एक वहाँ पे है और दो तीन वहाँ पे, और देखिए एक पानी में चल रहा है वो आप लोग देखते हो पानी में चल रहा है, और बहुत सारे हैं, एक यहाँ पे चल रहा है और वहाँ पे कुछ मछलियाँ हैं आप लोग देख सकते हो। तो फाइनली गाइस अगर आप लोग जैसे ऐसे घड़ियाल के घर जो सीट है वहाँ से देख के निकलिएगा, तो आप लोग को यहाँ पे एक मछली घर का होर्डिंग दिखेगा। घर जाने के लिए आप लोग यहाँ से टिकट लेना पड़ता है, और फिर यहाँ से लोग चलते हैं अपने अंदर। तो मैं बता दूँ कि अगर आप लोग को यहाँ पर अगर बोटिंग वगैरह करना हो, तो यहाँ पर एक लेक बनाया गया है, अभी मैं आप लोगों को नीचे चल के दिखाता हूँ। तो आप लोग वहाँ पे जाके अपना बोटिंग वगैरह कर सकते हो, चिल वगैरह कर सकते हो, अपने फैमिली के साथ भी कर सकते हो। तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, प्राइस वगैरह बताता हूँ किसका प्राइस क्या जो भी है गाइस, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। सुबह के आप लोगों को बने रहे, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस बैक।
तो इसका नाम नौका विहार दर है। तो इसका अगर आप लोग टू सीटर का लेते हो तो आप लोग को प्रति आधा घंटा का 80 रुपया लगेगा। अगर आप लोग फोर सीटर लेते हो तो आप लोग को प्रति आधा घंटा का एक पर हेड आप लोग को 100 रुपया लगेगा। आप लोग को लाइफ जैकेट के बिना अंदर जाना अलाउ नहीं है, पानी आप लोग को नहीं भेजा जाएगा। बाकी भी चलते हैं नीचे, आप लोग को नीचे का व्यू दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइज हमने आपको चिड़ियाघर का पूरा व्यू दिखाया, तो हमने आपको एक बोटिंग भी दिखाया होगा और उसके साथ आप लोगों को मैंने बहुत जानवरों के बारे में दिखाया। जो भी था मैंने आपको जितना हो सका मैंने बहुत दिखाया। तो बस गाइज आप लोग कमेंट कर जरूर बताना कि आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा, आपको चिड़ियाघर में दिखाया कैसे, आप लोग क्या कर सकते हो, कहाँ पे क्या घूमोगे, मैंने आपको सब कुछ बताया। तो ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। तो चलिए गाइज फिर से मिलते हैं ऐसे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में।